ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ VCD नंबर 54, क्लैरिफाइड ऑन 8th अप्रैल 2002 एट AKF। ओम शांति। 28 मार्च 2002 की अव्यक्तवाणी। ओम शांति। टुडे इट इज द अव्यक्तवाणी ऑफ द 28th मार्च 2002। हेडिंग दिया है, द हेडिंग गिवन इज इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। सेलिब्रेट दिस ईयर एज द ईयर टू बिकम हम्बल एंड प्योर एंड द ईयर ऑफ लिबरेशन फ्रॉम वेस्ट। सही बात कौन सी बताई? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज मेंशन्ड? निर्माण वर्ष मनाओ। Celebrate the year to become humble. Nirman mana? What is the meaning of humbleness? Koi prakar ka maan martaba buddhi mein sthayi na rehne paaye. No kind of respect and position should remain stable in the intellect. Maan samman ki baat जैसे ना के बराबर हो जाए। The concept of respect and honor should become equal to nothing. मैं आत्मा बिंदी। I the soul am a point. पहली बात निर्माण। First is humbleness. दूसरी बात निर्माण रहेंगे तो सारा वर्ष निर्मल वर्ष हो जाएगा। Second is if you stay humble, the whole year will turn to be pure. और जो भी व्यर्थ के संकल्प हैं, उनसे मुक्त होने का वर्ष हो जाएगा। And free from all the waste thoughts. आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। Today, Bap Dada is looking at the 3 shining lines on the forehead of the children of all 4 directions. एक लकीर है प्रभु पालना की लकीर। One line is of the sustenance of God. और दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की लकीर। The second line is of the elevated study. और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। एंड द थर्ड लाइन इज ऑफ एलिवेटेड डायरेक्शंस। पहली कौन सी बताई? विच इज द फर्स्ट लाइन दैट ही मेंशन्ड? प्रभु की पालना। द सस्टेनेंस ऑफ गॉड। प्रभु की पालना हवा में होगी, सूक्ष्म वतन में होगी या परमधाम में होगी? विल यू रिसीव द सस्टेनेंस ऑफ गॉड जस्ट इन योर इमेजिनेशन? विल यू रिसीव इट इन द सटल वर्ल्ड और द सुप्रीम अबोर्ड? पहली बात प्रभु की पालना साकार सृष्टि पर। फर्स्ट थिंग इज चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस द सस्टेनेंस ऑफ गॉड इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड। साकार रूप बच्चे अनुभव करें। इन द कॉर्पोरियल फॉर्म। दूसरी लकीर बताई श्रेष्ठ पढ़ाई की। द सेकेंड लाइन मेंशन्ड इज ऑफ द एलिवेटेड स्टडी। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाप है तो पढ़ाई भी उसकी कैसी होनी चाहिए? द फादर इज द मोस्ट एलिवेटेड, देन हाउ शुड इवन हिज टीचिंग्स बी?
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। इट शुड बी मोस्ट एलिवेटेड। श्रेष्ठ देवता बनाने वाली पढ़ाई है। द टीचिंग्स मेक अस इनटू एलिवेटेड डीटीज। और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। एंड द थर्ड लाइन इज ऑफ एलिवेटेड डायरेक्शंस। तीनों ही लकीर चमक रही है। ऑल द थ्री लाइन्स आर शाइनिंग। कहाँ? वेर? साकार वतनवासी साकार बच्चों के मस्तक में तीन प्रकार की चमकती हुई लकीरें बाप दादा ने देखी। बाप दादा saw three kinds of sparkling lines on the forehead of the corporeal children in the corporeal world. ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। These three lines are the lines of everyone's fortune. आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? All of you are also looking at all three of your lines, aren't you? प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। Except for you Brahmin souls, no one else attains the fortune of God's sustenance. और किसी को माना? What does no one else mean? और किसी में कौन कौन रह गए? और किसी में वो रह गए जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते। Who all were included and put under the list of no one else? Those who don't have complete 84 births are included in the list of no one else. परमात्मा पालना जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। You become so elevated, worship worthy through the sustenance of God. कितने श्रेष्ठ पूजनीय? How elevated and worship worthy do you become? कितने श्रेष्ठ? How much elevated? पूजा किनकी होती है? Who are worshipped? दूसरे जन्म के नारायण, चौथे जन्म के नारायण, सतयुग के आठवें जन्म के नारायण की और उनकी प्रजा की पूजा होती है या फर्स्ट जन्म के नारायण की और उनकी प्रजा की पूजा होती है? Are the Narayans of the second, fourth and eighth birth of the golden age and their subjects worshipped? Or is the Narayan of the first birth of the golden age and his subjects worshipped? 9 lakh stars are praised. प्रभु के गले का हार बनने वाले 9 लाख मन के हैं। 9 lakh beads become the necklace of God. तो बताया परमात्मा पालना जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। So it was said, how elevated and worship worthy you become through the sustenance of God. कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था? Did you ever think this even in your dreams? कि मुझे आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। आई द सोल वुड रिसीव द राइट टू गॉड्स टीचिंग्स। कैसा अधिकार? व्हाट काइंड ऑफ राइट? कोई मनुष्य गुरु नहीं पढ़ाने वाला है। नो ह्यूमन गुरु टीचेस अस। महात्मा पढ़ाने वाला नहीं है। नो ग्रेट सोल टीचेस अस। कौन पढ़ाने वाला है? Who teaches us? डायरेक्ट परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त हुआ है। We have received the right to the teachings of God in practice. लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। But now you are experiencing it in the corporeal form. क्या बात?
What are you experiencing? कोई हवा में बैठ करके नहीं पढ़ा रहा सूक्ष्म वतन से। He isn't teaching us just in our imagination from the subtle world. बिंदी की याद में हमको प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ा रहा है? He isn't teaching us through inspiration in the remembrance of the point. How is he teaching? साकार वतन में, साकार सृष्टि में, साकार तन में आकर के बाप हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है। The father is teaching us coming in the corporeal abode, corporeal world and the corporeal body. अनुभव कर रहे हो? You are experiencing it. स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। You didn't think even in your dreams that the Sadguru himself would give you elevated directions for every action from Amritvela till night and make you an instrument to change the bondage of actions into relationships of actions. लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। But now you say with experience that your every action is in accordance to Srimad. ऐसा अनुभव है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख करके हर्षित होती। Do you experience this? Bap dada feels happy seeing such elevated fortune of every child. वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह बच्ची। वाह माय एलिवेटेड फॉर्चुनेट चिल्ड्रन वाह। वाह बाबा और वाह बच्चे। वाह बाबा एंड वाह चिल्ड्रन। बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। द फादर सेज वाह चिल्ड्रन वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। टुडे फ्रॉम अमृत वेला ऑनवर्ड्स बाप दादा रिसीव द रिमेम्बरेंस ऑफ द चिल्ड्रन विद टू थॉट्स। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। फर्स्टली मेनी चिल्ड्रन रिमेम्बर्ड टू गिव देयर अकाउंट। दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। सेकेंडली दे रिमेम्बर्ड द होली ऑफ द फादर्स कलर ऑफ द कंपनी। तो तभी होली मनाने आए हो? Have all of you come to celebrate Holi? Holi manane aaye ho na? You have come to celebrate Holi, haven't you? Kaun sa rang lagane ke liye aaye ho? You have come to color yourself with which color? Sang ke rang ki Holi lagane aaye ho na? You have come to color yourself with the color of the company, haven't you? Brahmano ki bhasha mein manana अर्थात बन जाना। इन द ब्राह्मण्स लैंग्वेज टू सेलिब्रेट मीन्स टू बिकम। होली मनाते हैं होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। You celebrate Holi, it means you become holy. Holi mana? What does Holi mean? Holi manana. Holi mein sang ka rang lagana. Mana baap jis nirankar ki stage mein hai. Nirankari stage mein hai. To bachche bhi sang ke rang se निसंकल्प निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी निर्माण स्थिति में स्थित अनुभव को अपने को अनुभव करें। टू सेलिब्रेट होली टू गेट कलर्ड विद द कलर ऑफ द कंपनी इन होली मीन्स
द स्टेज दैट इज फ्री फ्रॉम थॉट्स एंड द इनकॉर्पोरियल स्टेज इन विच द फादर इज. द चिल्ड्रन टू शुड एक्सपीरियंस देमसेल्व्स इन द स्टेज ऑफ बीइंग बियॉन्ड थॉट्स, इनकॉर्पोरियल, वॉइसलेस, ईगोलेस एंड हम्बल थ्रू द कलर ऑफ हिज कंपनी. तो होली मनाते मना होली बनते हैं. सो टू सेलिब्रेट होली मीन्स टू बिकम होली. बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है. बाप दादा वाज सीइंग दैट बिकमिंग द होलीस्ट फॉर द ब्राह्मण चिल्ड्रन इज सो डिटैच्ड फ्रॉम अदर्स एंड डियर टू द फादर. वैसे द्वापर के आज की महानाथ में और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिता भी पवित्र होते हैं और होली बने हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द ग्रेट सोल्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ द कॉपर एज एंड द रिलीजियस फादर्स टू हु केम फ्रॉम टाइम टू टाइम व प्योर एंड दे हैव बिकम होली. लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, धर्म पिताओं से भी श्रेष्ठ है. कैसे? But your purity is the most elevated. It is elevated than even the religious fathers. How? धर्म पिता तो द्वापर में आते हैं, हाथ कलाओं वाली पवित्रता में. The religious fathers come from the copper age in the purity of 8 celestial degrees. और आप? And what about you? आप कलातीत स्टेज तक पहुंचते हो. You reach the stage beyond celestial degrees. 16 कलाओं से भी ऊपर की अतीत की स्टेज. The higher stage even beyond 16 celestial degrees. कौन सी वंशी हो? सूर्यवंशी. Which dynasty do you belong to? सूर्यवंशी. सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा को बांधा जाता है? चंद्रमा. Those belonging to the sun dynasty. Suryavanshi. Is the sun bound in celestial degrees or is the moon bound in celestial degrees? Chandrama ko kalaon mein bandha jata hai kyunki chandrama surya se roshni leta hai. The moon is bound in celestial degrees because it receives light from the sun. Aur surya swayam prakashit hota hai. And the sun is self-illuminated. तो आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है. Therefore, your purity is the most elevated. इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, इनकी प्योरिटी से भी श्रेष्ठ आपकी पवित्रता है. Your purity is elevated than even Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, Shankaracharya. न्यारी भी है. It is detached as well. कोई भी सारे कलप में चाहे महात्मा है चाहे धर्मात्मा है धर्म पिता है लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सत्वप्रधान पवित्र, ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है और न बन सकता है. No one in the entire cycle, whether it is the great soul, the religious soul or the religious father, your soul is pure, the body is pure and the nature is also satopradhan pure. No one else has become such holiest and he can't become that either. Abhi banna hai ya ban gaye? Do you have to become such holiest now or have you already become that? Aise holiest ban rahe hain. You are in the process. कैसे होली है? What kind of holiest will you become? आत्मा भी 16 कला संपूर्ण पवित्र और शरीर भी 5 तत्वों का प्रकृति का चोला भी सतो प्रधान मिलेगा. The soul will be pure, complete with 16 celestial degrees, and the body of the 5 elements of nature will also be sato pradhan.
बन सकता है ना? पूछा। It can become that, can't it? He asked. दुनिया भी जो पुरुषार्थी होते हैं, वो तो कहते हैं जन्म जन्मांतर हम पुरुषार्थ करेंगे, तब कहीं किसी जन्म में देवता बन जाएगी। The worldly purusharthis say, we will make purushartha for many births, and it is then that we will become a deity in some birth. और ब्रह्मा कुमारियां भी क्या कहती हैं? And what do even the Brahma Kumaris say? तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? What do the so-called Brahma Kumaris say? इस जन्म में हम पुरुषार्थ करेंगे जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ इस जन्म में किया, और अगले जन्म में देवता बन जाए। We will make purushartha in this birth like mama and baba, and we will become deities in the next birth. पवित्र देवता अगले जन्म में बनेंगे, अगले जन्म में पवित्र शरीर मिलेगा। We will become pure deities in the next birth, and we will receive a pure body in the next birth. और आप क्या कहते हैं? And what do you say? जो कुछ प्राप्ति करनी है लौकिक में या अलौकिक में, वो सारी इसी संसार में पूरी प्राप्ति करनी है। Whatever attainments we have to make, either in the laukik or the alaukik world, we have to make all the attainments in this very world. मुक्ति और जीवन मुक्ति का पूरा अनुभव यहाँ करना है। अब नहीं तो कब? We have to experience the complete liberation and liberation in life here. If not now, then never. अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। Bring your future form in front of you. भविष्य स्वरूप सामने लाया। Did you bring your future form in front of you? कि सिर्फ सुनने सुनाने के लिए लक्ष्य लिया है। Or did you just take the aim of listening and narrating? नर से नारायण बनना है। नारी से लक्ष्मी बनना है। You have to become Narayan from a man and Lakshmi from a woman. तो इसी जन्म में बनना है या प्रिंस के रूप में, प्रिंसेस के रूप में जन्म लेने के बाद बनना है? Do you have to become that in this very birth, or do you have to become that later on after being born as a prince and a princess? गायन कौन सा है? What is praised? नर से नारायण बनने का गायन है, नारी से लक्ष्मी बनने का गायन है। The praise of becoming Narayan from a man and Lakshmi from a woman. तो अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। So bring your future form in front of you. सबके सामने आपका भविष्य रूप आया कि पता नहीं है? Did it come in front of everyone, or don't you know? Banuga ya nahi banuga? Whether you will become that or not? Kya banuga? Aisa sansay to nahi aata hai? Do you have such doubt? Will I become that? Kuch bhi banenge, lekin honge to pavitra. Whatever you become, you will be pure. या कि कोई सतयुग के पहले जन्म में जो भी होंगे वो 16.25 कला या 15.5 कला होंगे? Or is it that all those who are in the first birth of the golden age will have 15 3/4 or 15.5 celestial degrees? जो भी होंगे पूरे 16 कला सब पूर्ण होंगे, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, और चाहे प्रजा। All those who are present there, they will be complete with 16 celestial degrees, whether it is a king, a queen, or the subjects.
कुछ भी बनेंगे लेकिन पवित्र होंगे। वट एवर दे बिकम दे विल बी प्योर। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन सुखदायी। The body will be pure, the soul will be pure, and the nature will also be pure and joy-giving. The sapling of your faith. Sapling of what? You can bring the future image in front of you through the sapling of your faith. निश्चय बुद्धि विजयते। Those with a faithful intellect will be victorious. तो निश्चय है ना? You do have faith, don't you? टीचर्स को निश्चय है? Do the teachers have faith? अच्छा, एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? अच्छा, can you bring your future image in front of you in a second? चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। ऑल राइट, यू वोंट बिकम कृष्ण बट यू सर्टेनली विल बिकम हिज कंपेनियंस, वोंट यू? कौन से कृष्ण की बात हुई? अबाउट विच कृष्ण वॉज इट सेड? शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है उस कृष्ण की बात हुई, या सतयुग में जो प्रिंस के रूप में जन्म लेगा उस कृष्ण की बात हुई? इज इट सेड अबाउट द कृष्ण प्रेज्ड इन द स्क्रिप्चर्स और इज इट अबाउट द कृष्ण हु विल बी बोर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रिंस इन द गोल्डन एज? बात तो वही समझोगे ना बाबा, तो वही समझोगे, मम्मा बाबा ने गति हुई है। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। स्टूडेंट कमेंट्स, All right, you won't become Krishna, but you will certainly become his companions, won't you? लेकिन शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? संगम युग। जो संगम युग में जो कृष्ण है। But which Krishna is praised in the scriptures? The Krishna of the confluence age. संगम युग में कृष्ण कैसा होता है और सतयुग में कैसा होता है? How is Krishna in the confluence age? And how is he in the golden age? संगम युग में कृष्ण वो होता है जो इसी जन्म में सांवरा और इसी जन्म में सुंदर बनता है। The confluence age Krishna is the one who is dark, sham in this birth and he becomes beautiful, sundar in the same birth. उसका नाम क्या है? श्याम सुंदर। What is his name? श्याम सुंदर। पहले श्याम माना काला। फर्स्ट ही इज श्याम मीनिंग ब्लैक, अपवित्र, इम्प्योर, और अब बाद में सुंदर माना पवित्र, एंड लेटर ही इज ब्यूटीफुल मीनिंग प्योर। तो ऐसे कृष्ण के साथ ही बनेंगे ना। सो यू विल बिकम द कंपेनियंस ऑफ सच कृष्ण, वोंट यू? कितना प्यारा लगता है। He looks so adorable. आर्टिस्ट बनना आता है कि नहीं आता है? Do you know how to become an artist or not? बस सामने देखो, अभी साधारण हो। Just look in front now. You are ordinary. साधारण माने? What does ordinary mean? जैसे सर्व साधारण मनुष्य हैं, वैसे हम भी साधारण आत्मा है, साधारण मन बुद्धि है, साधारण संकल्पों की गति है और साधारण ही देखने में आती। जस्ट लाइक ऑल आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, इन द सेम वे अवर सोल इज ऑर्डिनरी, अवर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज ऑर्डिनरी, अवर पेस ऑफ थॉट्स इज ऑर्डिनरी एंड वी जस्ट अपियर टू बी ऑर्डिनरी। अभी साधारण हूँ, कल नाउ आई एम ऑर्डिनरी, टुमारो ड्रामा का कल। It's the tomorrow of drama. ये कल नहीं जो कल आएगा। It isn't the tomorrow which will come tomorrow. तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना है।
सो यू हैव टू बिकम दोज विद अ प्योर बॉडी टुमारो. पांडव क्या समझते हो? What do the Pandavas think? पक्का है ना? It is certain, isn't it? शक तो नहीं है. पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे. You don't have any doubt, do you? Don't know whether I will become that or not. शक है? नहीं है ना? पक्का है? Do you have a doubt? You don't, do you? Is it certain? जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है. When we are the Rajyogis, we certainly have to become royal officers. राजयोग की पढ़ाई कहाँ पढ़ रहे हैं? Where are we studying the knowledge of Rajyog? इस जन्म में या अगले जन्म में पढ़ना है? इस जन्म में राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रारब्ध कहाँ पानी है अगले जन्म में? Do we have to study it in this birth or in the next birth? We are studying the knowledge of Rajyog in this birth. And where will we receive its attainment? Is it in the next birth? इस जन्म में पानी है. We have to receive it in this very birth. डॉक्टरी पढ़ते हैं, वकालत पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कहाँ बनते हैं अगले जन्म में? They study doctorate, law, engineering. So where do they become doctor, lawyer or an engineer? Do they become that in the next birth? इसी जन्म में बनते हैं ना? They become that in this very birth, don't they? तो भगवान आके कैसी पढ़ाई पढ़ाएगा? Then what kind of study will God teach after coming? अगले जन्म में प्राप्ति कराने वाली पढ़ाई पढ़ाएगा. Would he teach the study whose attainment will be in the next birth? इसी जन्म में नरसिंह नारायण बनाएगा. राज्य अधिकारी इसी जन्म में बनना. Or will he make Narayan from a man in this very birth? You have to become royal officers in this very birth. राजयोग है तो राजा बनाने वाला योग है. When it is Rajyog, it is the yog which makes you into kings. बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए स्वर्ग के सौगात की राजाई लाए हैं. बाप दादा रिमाइंड्स यू मेनी टाइम्स दैट द फादर हैज ब्रॉट द गिफ्ट ऑफ किंगशिप ऑफ हेवन फॉर यू. तो सौगात क्या लाए है? व्हाट गिफ्ट हैज ही ब्रॉट? सुनहरी दुनिया, तत्व प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं. तो निश्चय है? ही हैज ब्रॉट द गिफ्ट ऑफ द गोल्डन वर्ल्ड, द सत्व प्रधान वर्ल्ड. डू यू हैव द फेथ? ये निश्चय है. Do you have this faith? निश्चय की निशानी क्या है? What is the sign of having faith? निश्चय की निशानी है रूहानी नशा. The sign of faith is the spiritual elation. जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए. द क्लोजर यू आर कमिंग टू योर सॉवरिंटी, द क्लोजर यू आर कमिंग टू योर होम एंड किंगडम, यू शुड रिमेम्बर योर स्वीट होम एंड स्वीट किंगडम क्लियरली अगेन एंड अगेन. 28 मार्च 2002 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज. Second page of the Avyaktvani dated 28th March 2002. ये समीप आने की निशानी है क्या? This is the sign of coming close. What? बार बार बुद्धि में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा. You will be able to see it clearly through the mind again and again. जैसे कोई यात्रा करते हैं और यात्रा पूरी होने वाली होती है
तो दूर से ही नजारा सामने दिखाई पड़ता है. जस्ट लाइक समवन गोज ऑन अ पिलग्रिमेज एंड व्हेन हिज पिलग्रिमेज इज अबाउट टू कंप्लीट द सीन्स आर विजिबल फ्रॉम फार अवे. अपना घर अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे. Similarly, your home, your kingdom should be so clear in your memory that it should be clearly visible to you through the third eye. अनुभव हो, आज ये हूँ और कल ये बनूँगा. You should experience, today I am this and tomorrow I will become that. इतनी बार पाँच पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो. You have completed your part so many times and have gone to your home and kingdom. तो याद आता है ना? और अभी फिर से जाना है. So you remember it, don't you? Now you have to go there again. Double fairness, इस पक्ष आपको याद आता है कि बुद्धि से खींचना पड़ता है. To the double foreigners. Do you remember it clearly or do you have to recollect it through your intellect with difficulty? Pata nahi kya banenge, kaisa hoga. Don't know what we will become and how it, meaning our part, will be. Khinchna padta hai ya spasht dekhne mein aata hai. Do you have to recollect it with difficulty or do you see it clearly? Yaad hai. Do you remember? पीछे वालों को याद है. Do those at the back remember? पीछे वालों माना? What is the meaning of those at the back? जो बाद में ज्ञान में आए हैं उनको याद आता है. Do those who came in the knowledge later remember? पीछे वालों को कैसे याद आएगा? How will those who came later remember? 60 साल 65 साल से चल रहे हैं ज्ञान में, उनको पहले याद आना चाहिए कि जो आज ज्ञान में आ रहे हैं उनको याद आ जाएगा. Should those who are following the knowledge from 60 to 65 years remember first, or will those who have come in the knowledge today remember first? Last so fast. Last so fast. ये ईश्वरी ज्ञान की विशेषता है क्या कि लास्ट में भी कोई आए तो पीछे वालों से गैलअप कर सकता है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द ईश्वरीय नॉलेज. वॉट इफ समवन कम्स इन द नॉलेज इवन एट लास्ट ही कैन गैलअप फर्दर देन दोज हु केम बिफोर हिम. तो पीछे वालों को याद है. सो डू दोज एट द बैक रिमेम्बर. अच्छा गैलरी में बैठने वालों को याद है. तो सारे गैलरी में बैठे. अच्छा डू दोज हु सिट इन द गैलरी रिमेम्बर. हियर इन फैक्ट एवरी वन इज सिटिंग इन द गैलरी. बाप दादा देख रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं और विश्व के कोने कोने में भी बैठे हैं. बाप दादा इज सीइंग दैट दे आर सिटिंग आउटसाइड एज वेल एज इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. तो होली मनाई. सो डिड यू सेलिब्रेट होली? मना ली ना होली. यू हैव सेलिब्रेटेड होली हैवंट यू? वही होली. तो होली क्या मनाए? यू आर ऑलरेडी होली. सो व्हाट होली विल यू सेलिब्रेट? ये तो संगम युग के सुहेद है, बाकी क्या होली मनाएंगे? These are the special celebrations of the confluence age. As for the rest, what holi will you celebrate? तो बाप दादा आज अकाउंट देखेंगे ना सबका. So today, बाप दादा will see everyone's account, won't he? भूला नहीं है. He hasn't forgotten. सबने अपना अकाउंट रखा. Everyone has maintained their account. जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम प्रमाण.
काम चलाओ नहीं। Those who have maintained an accurate account according to the rule, not just as a formality. यथार्थ रूप से जैसा भी है लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है और सच्चा सच्चा अकाउंट, काम चलाओ नहीं। No matter how it is, but those who have maintained a complete account as per the rule and those who have maintained a true account, not just as a formality. जिन्होंने अपना सच्चा सच्चा अकाउंट रखा है वो हाथ उठाओ। Those who have maintained a true account, raise your hand. बड़ा हाथ उठाओ, डर डर के नहीं। रेज योर हैंड हाई, डोंट रेज इट आउट ऑफ ट्रेपिडेशन। जिन्होंने रखा है, लिखा है, रखा है। दोज हू हैव मेंटेन्ड इट, रिटन इट, हैव यू मेंटेन्ड इट? नहीं। नो। थोड़ों ने रखा है। Few have maintained it. अच्छा, पीछे वाले जिन्होंने रखा है खड़े हो जाओ। अच्छा, those at the back who have maintained it, stand up. Double foreigners जिन्होंने रखा है वो उठो। Double foreigners who have maintained it, stand up. अच्छा, मुबारक। अच्छा, congratulations. बैठ जाओ। Sit down. जिन्होंने नहीं रखा है उन्हों से हाथ नहीं उठवाते। Those who haven't maintained it aren't asked to raise their hand. अच्छा नहीं लगेगा उठाना। They won't feel good to raise their hand. लेकिन अकाउंट रखने से जिन्होंने रखा है बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो जाता है। But those who have maintained their account, it becomes clear to Bap Dada anyway. लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा, कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है, ऐसे भी रखा है। Those who have maintained it truthfully, many haven't maintained a proper calculation, but an average. Accurate बहुत थोड़ा नहीं। फिर भी बाप दादा के डायरेक्शन को माना। वेरी फ्यू हैव मेंटेन्ड एन एक्यूरेट अकाउंट, स्टिल दे हैव ओबेड बाप दादा डायरेक्शन। इसलिए बाप दादा ने दो प्रकार की एक्स्ट्रा मार्क्स उनकी बढ़ाई। दिस इज वाई बाप दादा हैज गिवन देम एक्स्ट्रा मार्क्स इन टू वेज। क्योंकि श्रीमत पर चलना ये भी एक सब्जेक्ट है। इट इज बिकॉज To follow Srimat is also a subject. तो श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट में पास हुए। So you have passed in the subject of following Srimat. इसलिए कोई फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपनी तरफ से 25 मार्क्स बढ़ाई। This is why बाप दादा gave 25 extra marks from his side to those who are in the first number. जो पहला नंबर है। He gave it to those who are first. और जो दूसरा नंबर है उनको 15 मार्क्स बढ़ाई। And he gave 15 extra marks for those who are second. ये एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपनी तरफ से दे दी। बाप दादा गेव दिस एक्स्ट्रा लिफ्ट फ्रॉम हिज साइड। तो फाइनल पेपर में आपकी मार्क्स जो है वो जमा होगी। So, these marks would be added in the final paper. Pass with honor होने में मदद मिलेगी। You will receive help in becoming pass with honor. लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है, कोई भी कारण हो, है तो अनबेलापन। But those who haven't maintained it, whatever may be the reason, but it is certainly negligence. और तो कुछ नहीं कहेंगे। Nothing else will be said for it. लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है
तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी एक मास अपना अकाउंट अभी से रखो. स्टिल इफ दे हैवंट मेंटेन्ड इट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बाप दादा सेज मेंटेन योर अकाउंट फ्रॉम नाउ ऑन फॉर अ मंथ. कितना टाइम दिया? हाउ मच टाइम डिड ही गिव? सिर्फ एक मास. जस्ट वन मंथ. मार्च चल रहा था है? और अभी क्या चल रहा है? इट वॉज मार्च एंड नाउ विच मंथ इज इट? स्टूडेंट्स अप्रैल. एक मास अपना अकाउंट रखो, अभी से रखो. अगर अभी भी एक मास एक्यूरेट अकाउंट रखेंगे नंबर वन वाला, तो बाप दादा श्रीमत नहीं कर सके, उसकी मार्क्स कट नहीं कर सके. मेंटेन योर अकाउंट फॉर अ मंथ एंड मेंटेन इट फ्रॉम नाउ ऑन. इफ यू मेंटेन एन एक्यूरेट अकाउंट, द नंबर वन अकाउंट फॉर अ मंथ इवन नाउ, बाप दादा वोंट कट योर मार्क्स सेइंग यू डिडंट फॉलो श्रीमत. क्या? वॉट? मार्क्स कट नहीं करेंगे, समझा? ही वोंट कट योर मार्क्स, अंडरस्टूड? कट नहीं करेंगे लेकिन करना जरूरी है. ही वोंट कट देम बट इट इज नेसेसरी टू डू इट. श्रीमत न मानने से मार्क्स तो कट होती है ना? इफ यू डोंट फॉलो श्रीमत, मार्क्स आर सर्टनली कट, aren't they? अंत में जब आप अपना पोता मेल ड्रामा अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे, और टीवी नहीं, कौन से टीवी में देखेंगे? When you watch your pota mail in your heart like TV in the end, according to the drama, not in any other TV, in which TV will you watch it? दिल के टीवी में देखेंगे, अपने ही दिल की टीवी में बाप दादा दिखाएंगे. In the heart like TV, बाप दादा will show you on the TV of your own heart. एहसास होगा. यू विल फील इट. तो उसमें श्रीमत की मार्क्स कट नहीं करेंगे. सो ही वोंट कट योर मार्क्स फॉर नॉट फॉलोइंग श्रीमत. फिर भी बाप दादा का प्यार है. समझते हैं कि बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो गए हैं. Nevertheless, बाप दादा हैज लव. ही अंडरस्टैंड्स दैट द संस्कार्स ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ मेनी बर्थ्स हैव बिकम फर्म. तो हो जाता है. सो इट हैपेंस. लेकिन अभी अलबेले नहीं बनना. However, don't become negligent now. नहीं तो पीछे पछताएंगे. Or else, you will repent at the end. पीछे बताएंगे क्या होगा? अभी नहीं बताते. You will be told later what will happen. You aren't told now. क्योंकि बाप दादा ने वर्तमान समय की रिजल्ट देखी. It is because बाप दादा saw the result of the current time. और सभी की रिजल्ट देखी. एंड ही सॉ एवरीवन्स रिजल्ट. चाहे डबल फॉरनर्स हैं, चाहे भारतवासी हैं. वेदर इट इज द डबल फॉरनर्स और द भारतवासीज, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है. ही सॉ द रिजल्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन दैट दे हैव मेनी न्यू वैरायटीज ऑफ नेग्लिजेंस एट द करंट टाइम. और अनेक प्रकार का अलबेलापन है. And they have varieties of carelessness. मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है. They think in their mind everything is all right. जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब सबके द्वारा चलता है. Everyone does what we are doing. आजकल का ये विशेष स्लोगन है. It is the special slogan of these days. सब बातों में ये स्लोगन लगाए देते हैं, ये तो सब चलता ही है. दे अप्लाई दिस स्लोगन इन एवरीथिंग. एवरीथिंग इज ऑल राइट. ये अलबेलापन है. दिस इज नेग्लिजेंस. साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ. बस स्वाद परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है. अलोंग विद दिस देयर इज ऑल्सो अ लिटिल लेजीनेस टू सम परसेंटेज with a variety of negligence in the purusharth or self-reformation. हो जाएगा, कर ही लेंगे,
नए नए प्रकार की बाप दादा ने अनवेलेपन की बातें देखी है। इट विल हैपन, वी विल डू इट एनी वे, बाप दादा हैज सीन नेग्लिजेंस इन न्यू वैरायटीज। इसलिए अपना सच्ची दिल से अलवेले रूप से नहीं, सच्ची दिल से अकाउंट जरूर रखो। दिस इज वाई मेंटेन योर अकाउंट सिंसियरली विद अ ट्रू हार्ट, नॉट विद नेग्लिजेंस। 28/3/2002 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज, थर्ड पेज ऑफ द अव्यक्तवाणी डेटेड 28/3/2002। आज इस सीजन का लास्ट टर्न है ना? टुडे इट इज द लास्ट टर्न ऑफ दिस सीजन, इजंट इट? माना अगले सीजन में फिर आएंगे। इट मीन्स ही विल कम अगेन इन द नेक्स्ट सीजन। इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, तो बाप दादा रिजल्ट सुनाए रहे हैं। This is the last turn of this season, isn't it? Therefore, Bap Dada is disclosing the results. Sunaye na, ki na sunaye? Should he disclose it or not? Sirf pyar kare? Should he just give love? Result na sunaye? Shouldn't he disclose the results? Ye bhi pyar. This too is affection. Itna Bap Dada ka pyar hai. हर एक से कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले। बाप दादा हैज सो मच अफेक्शन फॉर ईच वन दैट ही फील्स एवरीवन शुड रिटर्न होम अलोंग विद फादर ब्रह्मा। पीछे पीछे नहीं आवे, क्या बन के चले? साथ ही बन करके चले, बराती बन करके पीछे पीछे न चले। दे शुडंट कम बिहाइंड हिम, हाउ शुड दे रिटर्न एज? They should return with him as his companions. They shouldn't come behind him as barati, meaning a member of a marriage procession or party. तो समान तो बनना पड़े ना? You will certainly have to become equal, won't you? बिना समानता के साथ ही बनके नहीं चल सकेंगे। You can't return with him as his companions without becoming equal. और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना? Then the first birth of your kingdom, the first birth will after all be the first birth, won't it? अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा दूसरे तीसरे चौथे जन्म में राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे कौन सा जन्म? Even if you come in the second or the third birth, all right, you may become a king in the second, third or the fourth birth, but still it will be called which birth? कहेंगे तो दूसरा तीसरा जन्म ना? It will be called the second or the third birth, won't it? क्या अंतर पड़ जाएगा? दूसरे जन्म के राजा बने चाहे प्रजा बने, या दूसरे जन्म के बाद वाले जन्मों में राजा बने या प्रजा बने, अंतर क्या पड़ जाएगा? What will be the difference in becoming a king or a subject in the second birth or the third birth, or becoming a king or a subject in other births after the second birth? What will be the difference? दूसरे जन्म वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। Those of the other births will keep converting to other religions. कच्चे देवता हैं। They are incomplete deities. और पहले जन्म वाले 9,00,000 सितारे जो हैं, वो अपने धर्म के पक्के होंगे। एंड दोज ऑफ द फर्स्ट बर्थ द 9,00,000 स्टार्स विल बी फर्म इन देयर रिलीजन। इसलिए प्रभु के गले का हार बनते। दिस इज व्हाई दे बिकम द नेकलेस ऑफ गॉड। प्रैक्टिकल में बनते हैं ये सिर्फ कहने के लिए। Do they become that in practice, or is it just for the sake of saying? Practical में गले का हार बनते हैं। They become the necklace in practice. तो दूसरा तीसरा जन्म तो दूसरा तीसरा ही कहेंगे। So the second and the third birth will be said to be second and third itself. साथ चले और साथ ब्रह्मा बाप के पहले जन्म के अधिकारी बने, ये है नंबर वन पास विदानर वाले।
Those who go along with the father Brahma and become the officers with him in the first birth are those who pass with honor first. तो पास में जानर बनना है कि पास मास वाले भी ठीक है. So, do you want to become those who pass with honor, or is it all right to be those who have passing marks? कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते हैं. Never think that Bap Dada doesn't see what we are doing and what is happening. Yeah. What? उनको भी समझते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं बाप दादा थोड़े ही देखते हैं. Some think Bap Dada certainly doesn't see what we are doing. लेकिन बाप दादा को तो भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है. भगवान को हजार आंखें हैं, हजार कान हैं, हजार हाथ हैं. कैसे? But for Bap Dada, it is said even in the path of bhakti that God has 1,000 eyes, 1,000 ears, 1,000 hands. How? पता मिल गया. अरे जो कुछ भी करते हैं, कर्म बंधन जिसके साथ भी बनाते हैं, वो आज नहीं तो कल बाप दादा के पास पहुंचा देता है. अरे, what we do with whosoever we create karmic account, if not today, he informs Bap Dada some other day. कोई ना कोई पहुंचा देता है. Someone or the other informs it. तो बोला ऐसे कभी नहीं सोचना कि हम जो कर रहे हैं वो बाप दादा नहीं देखते हैं. So it was said, never think Bap Dada doesn't see what we are doing. इसमें कभी अलबेले नहीं होना. Never become negligent in it. बाप दादा अगर कोई भी बच्चा अपने बताए सकते हैं. इफ एनी चाइल्ड हिज बाप दादा ही कैन टेल इट. लेकिन अभी बताते नहीं. बट नाउ ही डजंट. बाप दादा हरेक महारथी घोड़े सवार सब का चार्ट देख रहे हैं. Bap Dada is seeing the chart of every great warrior, cavalryman and everyone. कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है. हैं कौन और करते क्या हैं? Many a times Baba feels very compassionate. Who they are and what they do. लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे, याद है क्या कहते थे? But just as Father Brahma used to say, do you remember what he used to say? गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने. Only जैगरी and the sack containing जैगरी knows the truth. शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने. शिव बाबा एंड ब्रह्मा बाबा नो इट. क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है. बाप दादा फील्स वेरी कंपैशनेट. गुड़ कौन हुआ? Who is Jaggery? Shiv Baba hua gud aur Brahma Baba hua gud ki gothri. Shiv Baba is Jaggery and Brahma Baba is the sack of Jaggery. To bap dada ko taras bahut padta hai lekin aise bacche bap dada ke rehm ke sankalp ko touch nahi kar sakte. So bap dada feels very compassionate. But such children can't understand Bap Dada's thoughts of compassion. कैच नहीं कर सकते, इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार के रायल अलबेले पर बाप देखते रहते. They can't grasp it. This is why Bap Dada said, the father keeps seeing various kinds of royal negligence. ऐसे नहीं समझना. Don't think like that. आज बाप दादा कह देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है. टुडे बाप दादा सेज आई फील वेरी कंपैशनेट. ऐसे कई बच्चे समझते हैं सतगुरु में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था. मेनी चिल्ड्रन थिंक नो वन विल नो हु वाज व्हाट इन द गोल्डन एज. अभी तो मौज मना ले. लेट्स एंजॉय नाउ. अभी तो कुछ करना है, जो कुछ करना हो तो कर लो. डू व्हाटएवर यू वांट टू.
कोई रोकने वाला तो है नहीं। There is no one to stop us. कोई देखने वाला नहीं है। No one to watch us. लेकिन ये गलत बात। But that's wrong. सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। The only thing is that बाप दादा doesn't take their names. नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाएंगे। If he takes their names, they will straighten up tomorrow. क्या? What? कौन क्या क्या करते हैं अगर उनका नाम सुनाए तो क्या होगा? If he takes their names and tells what they do, then what will happen? तब के सामने मुंह काला हो जाएगा, कल ही ठीक हो जाएंगे। Their image will be blackened in front of everyone and they will straighten up the very next day. आज धुरिया मनाए रहे हैं ना? Today you are celebrating धुरिया, aren't you? धुरिया किसे कहते हैं? What is called धुरिया? धुरिया में एक दो को जो भी होता है स्पष्ट दे देते हैं। Students, holy. In Dhuriya, they give away whatever they have clearly to one another. तो समझा क्या करना है? Dhuriya बोलो। धूल, होली के रंगीन रंग रंग सूखा रंग उड़ाते हैं ना? Did you understand what you have to do, student? What does Dhuriya mean? Dust. They throw bright color powder on each other, don't they? जो कुछ रंग अपने पास है वो सब रंगीनियां दूसरों को बांट देते हैं। Whatever colors, meaning news, they have, they share all of it with others. जो कुछ अपने अंदर है वो सब दूसरों को, नजदीकियों को, जैसे दिल की बातें दिलावर से की जाती हैं। They tell whatever they know to others, to the ones who are close to them. Like the secrets of the heart are shared with the beloved. बताए देते हैं, स्पष्ट दे देते हैं, तो समझा क्या करना है? They tell it to each other, they give it to them openly. So did you understand what you have to do? पांडव समझा कि नहीं समझा? Did the Pandavas understand it or not? चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हरेक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। It will do, it won't. It is because बाप दादा receives everyone's report of every day. बाप दादा आपस में भी रूढ़ियान करते हैं। The father and dada also have a spiritual chit chat with each other. और कौन कौन आपस में रूढ़ियान करते हैं? Who have a spiritual chit chat with each other? बाप और दादा। कैसे? The father and dada. How? बाप दादा तो कंबाइंड को कहा जाता है, एक ही शरीर में। The combined form is called बाप दादा. There are two souls in the same body. बाप माना राम बाप, शिव के साथ। शिव के बगैर राम का अस्तित्व अगर कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं। The father refers to father Ram along with Shiv. If we separate Ram from Shiv, he doesn't have any significance at all. तो निराकार बाप और साकार बाप। So, father refers to the incorporeal father and the corporeal father. और दूसरा दादा। And the second one is दादा। तो बाप दादा आपस में भी रूढ़िहान करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं। The father and dada also have a spiritual chit chat with each other. So, बाप दादा is giving all the children a hint again. कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। टाइम इज नियरिंग इट्स एक्सट्रीम इन एवरी वे। माया भी अपना अति का पार्ट बजाय रही है। प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजाय रही है। माया एज वेल एज नेचर इज प्लेइंग एन एक्सट्रीम पार्ट। क्या कहा? व्हाट वाज सेड?
माया भी पार्ट बजाए रही है, वो माया हरे हवा में है या प्रैक्टिकल में कोई पार्ट बजाने वाला है? Maya is also playing her part. Is that Maya an imagination or is there someone who plays a part in practice? Maya aa gayi to koi roop lekar ke aati hai ya hawa ban ke aati hai? When Maya comes, does she come taking on some form or does she come in your mind as an imagination? Bhoot preton ki tarah pravesh kar jati hai. Does she enter like ghosts and spirits? वही होती है वह क्या? Is she the very imagination? कोई न कोई रूप में, कोई स्त्री चोले में, कोई पुरुष चोले में माया रावण आता है. Maya Ravan come in some or the other form, either in a male body or in a female body. तो माया भी अपना अति का पार्ट बजाए रही है. Maya is also playing her extreme part. वो भी पार्टधारी है. She too is an actor. क्या? अति का पार्ट बजाए रही है. प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजाए रही है. What? She is playing her extreme part, and the nature is also playing her extreme part. प्रकृति भी पार्टधारी है. The nature is also an actor. जैसे माया को पांच रूप हैं, कौन कौन से? जस्ट एज माया हैज फाइव फॉर्म्स, व्हाट आर दे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट ईगो. उनका संगठित रूप माया रावण. देयर कंबाइंड फॉर्म इज माया रावण. ऐसे ही प्रकृति के भी पांच रूप हैं. इन द सेम वे द नेचर ऑल्सो हैज फाइव फॉर्म्स. कौन कौन से? What are they? पांच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश. They are the five elements, namely earth, water, air, fire and sky. प्रकृति भी अपना आदि का पार्ट बजाए रही है. ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन में अति में होना चाहिए. देखो मन वचन में ही नहीं, कर्म में भी. नेचर इज ऑल्सो प्लेइंग हर एक्सट्रीम पार्ट. इन सच अ टाइम द ब्राह्मण चिल्ड्रन शुड ऑल्सो पे एक्सट्रीम अटेंशन, दैट इज एक्सट्रीम अटेंशन टू देयर थॉट्स एंड वर्ड्स. नॉट जस्ट थॉट्स एंड वर्ड्स बट एक्शंस एज वेल. साधारण पुरुषार्थ नहीं. Don't make ordinary purushartha. बाप दादा ने इशारा भी दिया है कि 66 वर्ष में अभी तक 6 लाख तैयार किए. बाप दादा has also given a hint. In 66 years, you have made 600,000 souls ready till now. कितने वर्ष हो गए? How many years have passed? 66 वर्ष में सिर्फ 6 लाख तैयार किए हैं. अभी भी 9 लाख नहीं हुए. यू हैव मेड ओनली 600,000 सोल्स रेडी इन 66 years. यू हैवंट सर्व्ड 900,000 सोल्स येट. तो विश्व कल्याणी आत्माएं विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण कब करेंगे? सो द सोल्स हु ब्रिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, when will you bring about the welfare of the souls of the whole world? 9 lakh hi abhi pure nahi hue. You haven't served 900,000 souls in total yet. To vishu ki jo 5-700 crore aatmaye hai unka kalyan kab hoga? Then when will the 5 to 7 billion souls be benefited? 66 varsh mein to 9 lakh bhi pure nahi hue. When in 66 years you have not served even 900,000 souls? Lekin 9 lakh pehle janam ki aatmaye hain. But the 900,000 souls are those of the first birth. Beej sudhar jaye to vrksh sara
स्वतः ही सुधर जाता है। When the seed reforms, the whole tree will reform automatically. इसलिए बीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। कैसा बीज बोना है? This is why a lot of attention is given to the seed, as to which seed must be sown. अभी 9 लाख नहीं हुए हैं, तो विश्व कल्याणी आत्माएं विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण कब करेंगे? You haven't served 900,000 souls yet. So when will the souls who bring about the welfare of the world bring about the welfare of all the souls in the whole world? और भी 66 वर्ष चाहिए क्या? Do you need another 66 years? संगम युग कितने साल का है ज्यादा से ज्यादा? How long is the confluence age at the most? 100 साल का? 100 years. 66 वर्ष पूरे हुए तो कितने रह गए? 34 वर्ष। 66 years are over. Then how many years are left? 34 years. 66 वर्ष और नहीं चाहिए? कि चाहिए? Don't you want another 66 years or do you? Double foreigners को चाहिए? Do the double foreigners need them? तो double foreigners तो बाद में आए हैं। तो कहते हैं हमारे 66 वर्ष कहाँ पूरे हुए? Because the double foreigners have come late, so they say, how are 66 years over for us? Double foreigners को चाहिए? नहीं चाहिए? Do the double foreigners need them or not? तो क्या करेंगे? What will you do? चलो आधा। 33 वर्ष चाहिए? All right, half the time. Do you need 33 years? नहीं चाहिए? You don't? 33 वर्ष भी नहीं चाहिए? Don't you want even 33 years? तो क्या करेंगे? Then what will you do? वैसे अभी सेवा के लगन है। ये बाप दादा ने देखा है कि सेवा में लगन तो अच्छी है। Anyhow, you have dedication for service now. Bab Dada has seen that you have good dedication for service. सेवा के लिए हम रेडी हैं। चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। यू आर एवर रेडी फॉर सर्विस। इफ यू गेट अ चांस यू आर एवर रेडी टू डू सर्विस विद लव। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। बट नाउ मेक एन एडिशन इन सर्विस। वाणी के साथ साथ मन का। डू द सर्विस थ्रू द माइंड अलोंग विद स्पीच। अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। डू सर्विस थ्रू स्पीच आफ्टर स्टेबिलाइजिंग योर सोल इन सम ऑर द अदर एम्बॉडीमेंट ऑफ योर अटेनमेंट। अनुभवी मूर्त बन करके सेवा करो। बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड डू द सर्विस। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो। Suppose you are delivering a speech, so you no doubt deliver a very good speech through words. लेकिन उस समय अपने आत्म की स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति में स्थित होकर के मनसा द्वारा आत्म की स्थिति में स्थित होकर के But at that time, especially in your soul conscious stage, stabilize yourself in some or the other special feeling through the mind. It may be of power, of peace, or of the love of the Supreme Soul. Then stabilize in soul consciousness and क्योंकि आत्म स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलता है। It is because the effect of soul consciousness spreads in the atmosphere. और वाणी से प्रभाव नहीं फैलता। एंड द इफेक्ट ऑफ स्पीच डजंट स्प्रेड। वायुमंडल किससे बनता है? हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। हाउ इज एन एटमॉस्फेयर क्रिएटेड? एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड थ्रू अ वाइब्रेशंस। तो मनसा के साथ पावरफुल स्थिति में स्थित होकर के वाणी चलाओ, संदेश दो।
So, come into speech and give the message after stabilizing in a powerful stage through the mind. Vani dwara sandesh do. Give the message through speech. Mansa atmik sthiti dwara anubhuti karao. Make them experience the reality through the soul conscious stage of the mind. Bhasan ke samay aapke bol, aapke mastak se, naino se, surat se, उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे। They should see the characteristics of experience through your forehead, eyes and face while you deliver a speech. कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही। So that they say, we did hear the speech today, but we are experiencing the love of the Supreme Soul very nicely. जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा सुना। Just like as a result of a speech, the listeners say, you delivered it very well. We heard it heartily. बहुत अच्छी बातें सुनाई। You narrated very good things. ऐसे ही आपके आत्मा स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। Similarly, they should describe about their experience of the embodiment of your soul. मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। The human souls should receive the vibrations and such an atmosphere should be created. जब साइंस के साधन अगर ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस हो जाता है कि बहुत ठंडक हो गई, गर्म वायुमंडल का अनुभव कराए सकते हैं, सर्दी में गर्मी का अनुभव बनाए कराए सकते हैं, गर्मी में सर्दी का अनुभव कराए सकते हैं, When the appliances of science can make an atmosphere cold and everyone feels that it has become very cold, when it can make you feel the atmosphere hot, when it can make you feel warm in winter and cool in summer, then your science What is it? The power of silence. क्या प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शांति स्वरूप वायुमंडल का अनुभव नहीं करा सकते? Then can you not make someone experience the atmosphere of the embodiment of your love, the embodiment of your happiness and the embodiment of your peace? ये रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाए। Do this research. Don't just say good, good, but you have to become good. तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य पाएंगे। It is then that you will bring the completion to the time which is about to end and achieve your kingdom. क्योंकि आपको अपना राज्य याद नहीं आता है क्या? It is because, don't you remember your kingdom? संगम युग श्रेष्ठ है, वो तो ठीक है, ही है तुल्य। The confluence age is elevated, that is correct. It is as invaluable as a diamond. लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी या शांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है क्या? But O merciful, the children who bring about the welfare of the world, don't you have mercy for your sorrowful, peaceless brothers and sisters? उमंग नहीं आता, दुख में संसार को सुख में बना दें। Don't you feel eager to make the sorrowful world a happy world? ये उमंग नहीं आता है क्या? Don't you feel eager to do it? दुख देने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो उनको दुख देना अच्छा लगता है क्या? Do you want to see them sorrowful? Despite seeing others sorrow, do you like to give sorrow to your brothers and sisters? अपना दयालु, कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। Emerge your merciful and compassionate form. सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। ये प्रोग्राम किया, ऐसा प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ। Don't just be engaged in service. That you conducted this program, such a program, and then the year is over. अभी मर्सी कुल पर।
Now become merciful. चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से merciful बनो. Whether it is through drishti, through feeling, or through the effect of soul consciousness, become merciful. जो भी सामने आए उसके लिए रहम दिल बनो. Whoever who comes in front, become merciful for him. छाछठ वर्ष समाप्त हो गए. 66 years are over. ये कम नहीं है 66 वर्ष. These 66 years isn't a short time. ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए. It has been 33 years since Father Brahma became subtle. कब से अव्यक्त हुए? From when did he become subtle? 69 से. From 69. ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी हैं कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए. आई का दरवाजा. Sometimes Father Brahma says, When will the children come to open the gates? The gates of what? मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खोलने के लिए कब आएंगे? When will they come to open the gates of liberation and liberation in life? तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट पहले अपने अंदर खुलेगा कि कहीं बाहर खुलेगा इस रूप में? Will the gates of liberation and liberation in life open within us first, or will they first open outside, somewhere else physically? तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? Will you open the doors to the home along with me, or will you come after me? क्योंकि एक वाणी में क्या बोला है? It is because what has been said in a vani. तुम बच्चे परम धाम को भी इस धरती पर उतार लेंगे. You children will even bring down the supreme abode on this world. तो जब परम धाम भी संगठित रूप में इस धरती पर उतर आए, माने संगठित रूप में हम बच्चों की ऐसी स्टेज बन जाए, कैसी? When the supreme abode descends on this world in a collective form, it means When the stage of us children becomes like that in a collective form, like what? Nirakari, nirvikari, nirahankari stage ban jaye. When the stage becomes incorporeal, viceless and egoless, to jaise mukti dham ka gate khul gaya. It is as if the gate of the abode of liberation has opened. To gate intezaar kar raha hai. So, the gate is waiting. तो सेवा में एडिशन करो. इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी. मेक एन एडिशन इन सर्विस. विद दैट बाप दादा गारंटीज दैट इफ यू डू सर्विस इन दिस वे विद इन लिटिल टाइम यू विल हैव अ शावर ऑफ क्वालिटी सोल्स. क्या माने अभी तक कौन सी आत्माएं आई हैं? What? That means which kind of souls have come till now? आपके पास माने किसके पास? दीदी दादियों के पास. To you means to whom? Student, Didi and Dadis. Not the Didi and Dadis. ये तो उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो परमात्मा पालना प्रैक्टिकल साकार रूप में साकार के द्वारा ले रहे हैं. He is speaking to those children who are taking the sustenance of the supreme soul in practice in a corporeal form through the corporeal one. उन बच्चों से बात हो रही है. तो सेवा तो की इस विधि से अगर आप सेवा करेंगे तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी. क्वालिटी माना? He is speaking to those children. You have done service, but if you do service in this way, you will have a shower of quality souls. What does quality mean? ऐसी वारसदार आत्माएं आएंगी जो क्षण में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएंगी. Such air-like souls who become ready to transform themselves within 1 second will come.
वायरस क्वालिटी की बारिश पड़ेगी या देर विल बी अ शावर ऑफ द सोल्स विद द क्वालिटी ऑफ एन एयर व्हाट वायरस क्वालिटी द सोल्स विद द क्वालिटी ऑफ एन एयर आप वर्षा देने वाले हुए और वो वर्षा लेने वाले वायरस क्वालिटी हुए You are those who give the inheritance, and they, the souls with the quality of an heir, are those who receive the inheritance. इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You won't have to put in so much effort. वैसिक वालों ने उधर 33 साल मेहनत की, 69 तक. Those of the basic knowledge have worked hard for 33 years till 69. साकार में भी पालना ली और अब 33 साल अव्यक्त में भी पूरे हुए दे हैव टेकन सस्टेनेंस इन द कॉर्पोरियल फॉर्म टू एंड नाउ 33 इयर्स ऑफ अव्यक्त सस्टेनेंस आर आल्सो कंप्लीट इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यू वोंट हैव टू पुट इन सो मच एफर्ट कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है इसमें सहयोगी बनो देर वोंट बी द नीड टू से दिस वर्क इज टू बी डन कोऑपरेट इन दिस वर्क क्या वॉट सहयोग मांगने की चीज नहीं होती है कोऑपरेशन इज नॉट समथिंग यू कैन सीक सहयोग और स्नेह कब मिलता है वेन डू यू रिसीव कोऑपरेशन और अफेक्शन मांगने से नहीं मिलता दूसरों को सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा यू वोंट रिसीव इट इफ यू सीक फॉर इट इफ यू गिव कोऑपरेशन टू अदर्स यू विल रिसीव कोऑपरेशन इन रिटर्न दूसरों को स्नेह देंगे तो स्नेह स्वतः ही मिलेगा इफ यू गिव अफेक्शन टू अदर्स यू विल रिसीव अफेक्शन इन रिटर्न ऑटोमेटिकली सहयोग की स्वयं ऑफर करने वाले होंगे दे देमसेल्व्स विल ऑफर हेल्प ऑटोमेटिकली लेकिन साधारण पुरुषार्थ साधारण विधि की सेवा को परिवर्तन करो बट चेंज द ऑर्डिनरी पुरुषार्थ ऑर्डिनरी वे ऑफ डूइंग सर्विस छम छम होनी चाहिए देर शुड बी छम छम अ जिंगलिंग साउंड एज ऑफ एंकलेट्स लक्ष्मी आती है तो कैसे आवाज होती है When Lakshmi arrives, what kind of sound does she make? लक्ष्मी की आवाज कैसे होती है? What sound does Lakshmi make? Chum chum. Chum chum. होनी है, होनी तो है ही, सिर्फ अनुभूति कराने की विधि सोचो. It has to happen. It has to happen anyhow. But just think about the way to make others experience it. भाषण और कोर्स कराने की नहीं वो तो बहुत करा लिए डोंट जस्ट थिंक अबाउट डिलीवरिंग स्पीचेस एंड कोर्सेस यू हैव डन दैट अलॉट वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए यू हैव ऑल्सो कंडक्टेड मेनी प्रोग्राम्स ऑफ कैटेगराइजेशन आपकी छाप लग जाए समझा देयर शुड बी योर इम्प्रेशन डिड यू अंडरस्टैंड क्या करना है What you have to do? कैसे थे सर्विस का प्लान सुनाना? You used to say, tell us about the plan of service. कहा था ना? I told you, didn't I? अभी कोई छम छम करके दिखाओ. Now, some of you should do छम छम and prove yourself. ये तो अभी धीमी चाल है. जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना? दोनों हाथों से संपत्ति की छम छम हो रही है नाउ द पेस इज स्लो इट इज सेट फॉर लक्ष्मी इजंट इट देयर इज अ छम छम मीनिंग शावर ऑफ वेल्थ फ्रॉम बोथ हर हैंड्स तो आप अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बन अनुभूतियों की छम छम करो सो नाउ Become an elevated Brahmin soul and shower experiences. लेकिन अनुभूति वो करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय गवाने वाले नहीं होंगे
But only those who don't have waste thoughts, look at wasteful things or waste time will be able to make others experience it. आजकल थोड़ा थोड़ा बाप दादा ने थोड़ा देखा है. These days, बाप दादा has noticed something. वो भी सुनाएंगे. He will tell you that too. आज सब सुनाई देते. He tells you everything today. होली है ना? तो होली में कोई बुरा नहीं मानते. It is holy, isn't it? No one takes any offense in Holi. हाँ, teachers, Holi है ना? Yes, teachers, it is Holi, isn't it? मैंने teachers की तरफ विशेष ध्यान दिया कि अगर कुछ सुना दें ऊपर नीचे तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? It means he especially cautioned the teachers that if he says something, they shouldn't feel bad, should they? अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है. अच्छा, बाप दादा has seen one more thing. अच्छा नहीं लगता है सुनाना. He doesn't like to say it. कभी कभी कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ जाते हैं. Sometimes, even some good children see others. क्या? What? सुनी सुनाई बातों में उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया. In hearsay, he said so, she did that, she did this. अच्छा नहीं लगता है इन बातों को सुनाना. दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ की बातें हैं. He doesn't like to raise these points. Seeing others, describing others' stories. In addition, they see wasteful things. सिर्फ सुनते और सुनाते ही नहीं हैं, दूसरों की व्यर्थ की बातों को देखते भी हैं. They not only hear and narrate it, but also see the wasteful things of others. विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम हो जाता है. Describing each other's qualities reduces. हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम हो जाता है. Seeing and describing everyone's speciality and boosting their zeal and enthusiasm through their speciality reduces. तो merciful हुए? Then are you merciful? दूसरों की कमी देखते रहना, दूसरों की कमी सुनते रहना, सुनाते रहना, उनको merciful कहेंगे? Will those who keep seeing others' weaknesses, keep hearing them, describing them, be called merciful? विश्व कल्याणकारी कहेंगे? Will they be called those who bring about the welfare of the world? कि हिंसा देश के कारण ऐसा होता है? Or does that happen because of jealousy and hatred? लेकिन व्यर्थ बातें जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो. But the wasteful things that बाप दादा asks you to leave. अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है. You do try to leave yours, but you have the habit of seeing others. उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता. A lot of time is wasted in it. बाप दादा एक विशेष सीमा दे रहे हैं, है तो कामन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. बोल में निर्माण बनो. बाप दादा इज गिविंग अ स्पेशल श्रीमत. इट इज अ कॉमन थिंग बट अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड इन इट. बिकम हम्बल इन वर्ड्स. क्या? जब भी बोल बोलो तो कैसे बोल बोलो? वॉट? वेन एवर यू स्पीक हाउ शुड इट बी? उसमें मान मर्तबा न झलकता हुआ हो. योर रिस्पेक्ट एंड पोजिशन शुडंट रिफ्लेक्ट इन इट. बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए. हम्बलनेस इन स्पीच शुडंट डिक्रीज. भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा. ऑल्दो यू स्पीक ऑर्डिनरी वर्ड्स यू थिंक यू विल श्योरली हैव टू से देम.
लेकिन निर्माणता की बजाय अगर कोई अथॉरिटी से बोलते हैं, निर्माण बोल नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा कार्य का सीट का 5% अभिमान दिखाई जरूर दे जाता है। But if someone speaks with authority instead of speaking humbly, if they don't speak humbly, 5% of ego of the task and position is seen in them. निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में संबंध ऐसे समाई हुई हो जो स्पष्ट दिखाई दे। Humbleness is the special adornment of the Brahmin life. Humbleness should be contained in the mind, speech, words, relationships in such a way that it is clearly evident. ऐसे नहीं, तीन बातों में मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ? It shouldn't be that you think, I am humble in three subjects. What if I lack it in one subject? लेकिन वो एक कभी पास विद ऑनर नहीं होने देगी। बट दैट वन वीकनेस वोंट लेट यू पास विद ऑनर। निर्माणता ही आपकी महानता है। हम्बलनेस इटसेल्फ इज योर ग्रेटनेस। झुकना नहीं है, इट इज इन बाउइंग। इस समय झुकना और जन्म जन्मांतर झुकाना हो जाएगा। Bowing at this time will turn into making others bow before you for many births. कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है? Many children say lightheartedly, should I always bow? ये सामने वाला भी तो झुके ना? The other person should also bow sometimes, shouldn't he? लेकिन झुकना नहीं है। But it is in bowing. वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। Actually, it is making even the supreme soul bow before you. इस समय झुके तो परमात्मा बाप की नजर भी आपके ऊपर पड़ेगी। If you bow at this time, the supreme soul father will also lay his eyes on you. आत्मा की तो बात छोड़ो। Let alone souls. Paramatma bhi aapke samne jhukega. Even the supreme soul will bow in front of you. Nirmanta nirahankari svatah bana deti. Humbleness makes you egoless automatically. Nirahankari banne ka purushart karna nahi padta hai. You don't have to make the purushart to become egoless. Nirmanta har ek ke man mein aapke liye pyar ka sthan banai deti hai. Humbleness creates a place of love for you in everyone's heart. Nirmanta har ek ke man mein aapke prati duaen nikalegi. Humbleness will make everyone give blessings to you from their mind. Bahut duaen milegi. You will receive a lot of blessings. Purushart mein lift se bhi rocket ban jayengi duaen. From being a lift in Purushart, blessings will become a rocket. लिफ्ट भी इतनी तीखी नहीं ऊंची चढ़ती है जितनी दूसरों से जो दुआएं मिलेंगी वो आपको ऊंचा उठाने का काम करेंगी। A lift doesn't uplift as much as the blessings you receive from others will. निर्माणता ऐसी चीज है। Humbleness is such a thing. कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। नो मैटर हाउ अ पर्सन इज, वेदर ही इज बिजी, वेदर ही इज कोल्ड हार्टेड, शॉर्ट टेम्पर्ड, बट हम्बलनेस विल बिकम द इंस्ट्रूमेंट इन मेकिंग यू रिसीव कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवन। निर्माण हरेक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। हम्बलनेस कैन मेक यू एडजस्ट विद अदर्स संस्कार्स। इसके लिए बोला। इट वॉज सेट फॉर होम। ये खास किन के लिए बोला? इट वॉज स्पेशली सेट फॉर होम।
इस दुनिया में जिनके पास मान मर्तबा है उनके लिए बोला, या जिनके पास मान मर्तबा है ही नहीं उनके लिए बोला? Was it said for those who have respect and position in this world, or was it said for those who don't have respect and position at all? जिनके पास कुछ न कुछ सीट है, कोई न कोई कुर्सी मिली हुई है मान मर्तबे की, उनके लिए खास बोला। Those who have some or the other position, who have received some or the other authority on the basis of respect and position, it was especially said for them. जिनके पास है ही नहीं, वो क्या मान मर्तबा दिखाएंगे? Those who don't have them at all, what will they show off? तो हर एक संस्कार से स्वयं को चला सकता है निर्माण बनने वाला। So the person who becomes humble can adjust himself with everyone's संस्कार्स। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को गोल्ड करने की विशेषता होती है। बिकॉज ऑफ बींग रियल गोल्ड ही हैज द स्पेशलिटी टू मोल्ड हिमसेल्फ। तो बाप दादा ने देखा कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। सो बाप दादा सॉ दैट हैविंग अ हम्बल नेचर व्हाइल स्पीकिंग, while coming in relation and connection, and while doing service, makes you victorious. God, real gold. Makes whom victorious? To those who are real gold. Mix gold kaisa hota hai? How is mix gold? Isme janma janmantar ke convert hone ke sanskar honge dusre dharm mein, dusre dharmon ka, dusre dharm pitaon ka. संघ का रंग जिन्होंने ज्यादा लिया होगा वो इस जन्म में रियल गोल्ड बन करके जल्दी नहीं दिखाई सकेंगे। Those who have संस्कार्स of converting to other religions for many births, who must have been colored by the company of other religions and the religious fathers more, they won't be able to become real gold quickly and prove themselves in this birth. तो बोला संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त कराई देता है। सो इट इज सेड दैट हैविंग हम्बल नेचर इन रिलेशन एंड कनेक्शन एंड इन सर्विस विल मेक यू विक्टोरियस। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। दिस इज वाई बाप दादा इज एस्पेशली नेमिंग दिस ईयर एज द ईयर ऑफ हम्बलनेस एंड प्योरिटी। तो ये वर्ष मनाएंगे ना? सो यू विल सेलिब्रेट दिस ईयर वोंट यू? मनाना माना क्या बताया? बनना। व्हाट डिड ही से टू सेलिब्रेट मींस? टू बिकम दैट। निर्माण बनेंगे तो आत्मा निर्मल बनेगी। इफ यू बिकम हम्बल निर्माण योर सोल विल बिकम प्योर निर्मल। तो वर्ष मनाएंगे ना? So, you will celebrate the year, won't you? सिर्फ कहना नहीं, हाँ ये वर्ष है। Don't just say, yes, this is that year. ये कहना नहीं है, बनना है। You shouldn't say that, but you have to become that. बनना है ना, पीछे वाले बनना है। You have to become that, don't you? Those at the back, you have to become that, don't you? बस ऐसे बोलो, सब कहे और भी मोती हमको सुनाओ। स्पीक इन सच अ वे दैट एवरीवन सेज नरेट मोर पर्ल्स ऑफ नॉलेज टू अस। मोती दो, ऐसे नहीं कहें, नहीं ये तो नहीं सुनो, जाओ, ऐसे नहीं। गिव अस पर्ल्स, दे शुडंट से नो, डोंट लिसन टू दिस, गो अवे, इट शुडंट बी लाइक दैट। हीरे मोती मुख से निकले, अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हैं? डायमंड्स एंड पर्ल्स शुड कम आउट ऑफ योर माउथ, व्हाई डू यू गिव सॉरो टू अदर्स बाय स्पीकिंग विद प्राइड? ज्ञानी का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग नॉलेजेबल? पेड़ों पर फल आते हैं तो झुक जाते हैं ना? व्हेन ट्रीज बेयर फ्रूट्स दे ड्रूप डोंट दे?
तो मोती दो। सो गिव देम पर्ल्स। अभिमान से बोलने से किसी को दुख नहीं दो। डोंट गिव सोरो टू एनीवन बाय स्पीकिंग विद प्राइड। दुख के खाते में जमा तो हो जाएगा ना। आप समझते हो क्या हुआ, आपने बोल दिया। इट विल स्टिल बी एडेड इन द अकाउंट ऑफ सोरो, वोंट इट? यू थिंक व्हाट हैपेंस इफ आई सेड दैट? लेकिन दुख के खाते में जमा हो गया। बट इट इज एडेड टू द अकाउंट ऑफ सोरो। समझा? डिड यू अंडरस्टैंड? अब दुख के खाते में जमा हो गया। अगर हमने किसी को जो कुछ बोला वो मान पूर्वक बोल दिया। When is it added in the account of sorrow? If we said something to someone with pride. इसलिए अकाउंट रखना। This is why maintain an account. ऐसे नहीं अभी तो अकाउंट दे दिया। It isn't that you have given the account now. रखने से फायदा है। There is profit in maintaining it. बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया। बाप दादा saw that many have made good purusharth. Of what? Account rakhne ka. Of maintaining the account. Kaun sa account? Which account? Kitni duaen li aur kitni duaen di. The account of how many blessings they received and how many blessings they gave. Attention diya hai to kya yaad rakhenge? They have given attention. So what will you remember? निर्माण, हम्बलनेस, निर्माण। तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। इट इज देन दैट द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्शन निर्माण विल हैपन क्विकली। क्या निर्माण करना है? बिल्डिंग का निर्माण करना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? अ बिल्डिंग है? मैलमारियां, अटारियां, नए नए सेंटर बनाने हैं। डू वी हैव टू कंस्ट्रक्ट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड न्यू सेंटर्स? और ढेर सारे मिनी मधुबन इकट्ठे कर देने। डू वी हैव टू इंक्रीज मिनी मधुबन? नहीं। क्या निर्माण करना है? नो। व्हाट डू वी हैव टू कंस्ट्रक्ट? हम निर्माण बनेंगे माना हमारे अंदर पवित्रता है। इफ वी बिकम हम्बल इट मीन्स वी हैव प्यूरिटी विद इन अस। प्यूरिटी है तो प्यूरिटी से यूनिटी रूपी संगठन के किले का निर्माण होगा। With that purity, the fort of unity-like gathering will be constructed. क्या निर्माण करना है? What is to be constructed? Unity अगर हम बनाते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर purity के संस्कार आ रहे हैं। If we form unity, it means the संस्कार्स of purity are coming in us. झुकने के संस्कार, निर्माण बनने के संस्कार आ रहे हैं। The संस्कार्स of bowing and becoming humble are coming in us. तो निर्माण बनने का कर्तव्य, निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। With the duty of becoming humble, the task of construction will take place quickly. निर्माण बनो, तब निर्माण बनेंगे। Become humble. When will you become humble? अब। Now. अब नहीं तो कब नहीं। If not now, then never. फिर आप ही बोलेंगे बाबा अभी तो छम छम हो रही। Then you yourself will say, Baba, there is a chum chum now. It has to happen. सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह के भी आपके आगे झुक दी। All the souls of the world say, O Prabhu, and bow in front of you. तो सुना वर्ष की सेवा का। सो डिड यू हियर द सर्विस ऑफ दिस ईयर? इस वर्ष की सेवा का सुनाया। अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन, जोन में भी कौन सा सेंटर इस विधि से वारिस निकालते हैं। ही सेड अबाउट द सर्विस ऑफ दिस ईयर, नाउ ही विल सी विच सेंटर, विच जोन एंड इवन इन अ जोन विच सेंटर ब्रिंग्स आउट एयर्स थ्रू दिस मेथड। अभी कोई वारसों की छिम छिम करो, वो होगी अनुभूति कराने से। Now, someone should shower airs, and that will happen by making others experience the truth.
सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी इज एक्सपीरियंस। अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता है। नो वन कैन चेंज द एक्सपीरियंस्ड वन। अच्छा डबल फॉरेनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात उनको मन से बिंदी लगाना आता है। डू द डबल फॉरेनर्स नो हाउ टू पुट अ डॉट टू एनी वेस्ट नेगेटिव मैटर और एनीथिंग दैट हैज पास्ड थ्रू द माइंड इन अ सेकंड? डबल फॉरेनर्स जो समझते हैं कि कैसी भी बीती हुई बात अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं। The double foreigners understand that anything that has passed, good memories are not to be forgotten. भूलनी तो व्यर्थ बातें ही होती हैं। तो कोई भी बात जिसको भूलना चाहते हैं उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। It is the waste things that you have to forget. So, can you put a dot to anything that you want to forget in a second? लगा सकते हैं बिंदी। जो foreigners बिंदी लगा सकते हैं वो हाथ उठाओ। कैन यू द फॉरेनर्स हु कैन पुट अ डॉट रेज योर हैंड। 28/3/2002 की अभ्यक्त वाणी का छठा पेज। सिक्स्थ पेज ऑफ द वाणी ऑफ द 28/3/2002। सीधा लंबा हाथ उठाओ। रेज योर हैंड स्ट्रेट एंड हाई। मुबारक। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा ओम शांति।